संसद के सुरक्षा चूक मामले में मंगलवार को भी विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई हुई। लोकसभा ने 49 सांसदों को वहां से सस्पेंड किया गया। हालांकि कल राज्यसभा से किसी को निलंबित नहीं किया गया। दोनों ही सदनों से सस्पेंड होने वाले सांसदों की संख्या बढ़कर 41 पहुंच गई है। इन सांसदों को इसलिए सस्पेंड किया गया है क्योंकि ये सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे थे। हालांकि विपक्ष ने कहा कि हम तो सरकार से प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन उत्तर देने के बजाय हमें बाहर कर दिया गया। विपक्षी सांसदों ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। मंगलवार को सस्पेंड होने वाले सांसदों में मनीष तिवारी और शशि थरूर भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के डिंपल यादव को भी कल सदन से बाहर कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय ने निलंबित सांसदों को उनके चैंबर और संसद गैलरी में जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। निलंबित सांसदों का डेली भत्ता भी रोक दिया गया है। एक सौ 141 सांसदों के निलंबन के बाद अब तकरार समाप्त होती नहीं नजर आ रहे। आज संसद परिसर में सोनिया गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें आज रणनीति पर चर्चा होगी। संसद में हुई घुसपैठ के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष सदन में गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है और अपनी इस मांग को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है। हंगामा कर रहे सांसदों पर निलंबन वाली कार्रवाई हो रही है तो इस एक्शन से तनातनी और ज्यादा बढ़ रही है। असुर सूक्ति कही जा सकते हैं। आपकी ये अहंकार लोग देख रहे हैं। सही बात को गलत साबित करने की जो तरोर मरोर करने की कारखाना है उसमें सारे प्रोडक्शन हो रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन सच्चा को आप कैसे छुपाओगे, लोग देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से लोकसभा को मंदिर कहेगी? यहाँ जनता से चुनकर के लोग आते हैं अपनी बात कहने के लिए। सहमति असहमति हो सकती है, अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ तमाम पुरानी बिल्डिंग में मनुस्मृति की चीजें रखी हैं कि यहाँ हमें अधिकार है कि हम अब सही बात करें। ये सरकार सही बात सुनना ही नहीं चाहती है, सच्चाई से क्यों सरकार भाग रही है? अब हालत ये है कि लोकसभा और राज्यसभा में इतने बड़े पैमाने पर निलंबन के बाद संसद के अंदर विपक्षी इंडिया गठबंधन की नुमाइंदगी तकरीबन खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी दोनों ओर की तनातनी खत्म नहीं हो रही है। लोकसभा से और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के 95 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं, अन्य दलों के 67 सांसद ही बचे हैं। इसी तरह राज्यसभा में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के 64 में से 46 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं, अन्य दलों के 76 सांसद हैं। माननीय सदस्यगण में पुनः विपक्ष अपने रुख पर अड़ा हुआ है, लिहाजा ये हंगामा लगातार बढ़ रहा है। पिछले दो दिनों से विपक्ष के सांसदों पर जिस तरह से कार्रवाई हुई, यदि वाज भी जारी रही तो संसद लगभग विपक्ष विहीन हो जाएगा। अब तक जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के हैं। कांग्रेस के कुल 57 सांसद अब तक सस्पेंड किए गए हैं, 40 लोकसभा से जबकि 17 राज्यसभा से। डीएमके के 21 सांसद निलंबित किए गए हैं, 16 लोकसभा से जबकि 5 राज्यसभा से। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से भी 21 सांसद निलंबित किए गए हैं, 13 लोकसभा से जबकि 8 राज्यसभा से। जेडीयू से 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया, लोकसभा से 11 तो राज्यसभा से 3 सांसदों को। और ये वो प्रमुख दल हैं जिनके सांसदों की बड़ी संख्या है जिनको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा गठबंधन इंडिया के 38 और सांसदों को बाहर कर दिया गया है। इसमें कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के सांसद भी शामिल हैं। सांसदों के सस्पेंशन पर सरकार की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि जब एक बार बैठक में तय हो गया कि तख्तियां पोस्टर लेकर कोई सदन में नहीं आएगा तो फिर विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर प्रतिपक्ष के लोगों का बर्ताव रहा तो 2024 में जनता जवाब देगी। ये तटिया लाके तो अपमान कर रहे हैं, चेयर का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश का जनता ने जो मैंडेट दिया है उनका अपमान कर रहे हैं। जो हाल ही में 3 राज्यों का जो 5 राज्यों का चुनाव में सर ये पूरा पूरा चुनाव में जो इनका हाल हुआ उसके डेस्परेशन के कारण पूरा हताश होके फ्रस्ट्रेट होके ऐसे कदम उठा रहे हैं। गठबंधन इंडिया की चौथी मीटिंग मंगलवार को दिल्ली में हुई। 28 विपक्षी दलों के साथ करीब 3 घंटे तक ये चिंतन मंथन का दौर चला और इस बैठक का एजेंडा 4 बड़े सवालों से जुड़ा हुआ था। गठबंधन का चेहरा कौन होगा, सीट शेयरिंग का मंत्र क्या होगा, गठबंधन का संयोजक कौन होगा,
और चौथा पॉइंट था कि हर हाल में गठबंधन में एकजुटता बनी रहे। मीटिंग खत्म हुई तो पहले सवाल का जवाब करीब करीब सामने आ गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि चेहरा नहीं बल्कि 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत एक बड़ा लक्ष्य है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ममता बनर्जी ने पीएम के लिए खड़गे का नाम आगे रखा, लेकिन बैठक के बाद खड़गे ने कहा कि हम सब पहले इस बात पर फोकस करेंगे कि हमारे अधिक से अधिक सांसद दिल्ली पहुंचे और उसके बाद चेहरा तय हो तो बेहतर। उनको सस्पेंड, हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे, कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा हुई, लेकिन बंटवारा कैसे होगा इसको लेकर कुछ तय नहीं हो पाया। खड़गे ने कहा कि अभी कई और बैठकें होंगी और धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होगी और जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहां पर कॉमन मिनिमम एजेंडे पर काम होगा ये तय करना बाकी है। यूपी, बिहार और बंगाल ऐसे राज्यों हैं जहां पर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव बड़ी उनको साधना बड़ी चुनौती है। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने इस ओर इशारा किया कि ऐसी स्थिति में कैसे बात बनेगी। खड़गे ने कहा कि राज्यों में पहले राज्य स्तर के नेता सीट शेयरिंग पर बातचीत करेंगे और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का वो प्रयास करेंगे और इसमें भी अगर कहीं पर पेंच फंसेगा तो फिर दिल्ली में बैठक टॉप लीडरशिप करेगी और समाधान निकालेगी। पेंट किया गया है, हम मिलके पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहां पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको वो डिसाइड करेंगे। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इस बैठक के बाद ये दावा किया जा रहा है कि गठबंधन में ऑल इज वेल है। टीएमसी की ओर से मांग की गई कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग पर निर्णय हो जाना चाहिए। गठबंधन के लिए पंजाब और दिल्ली में समझौता आसान नहीं है, इन दोनों ही राज्यों में आपकी सरकार। गृहमंत्री अमित शाह आज आपराधिक न्याय संहिता पर विधेयकों पर सदन में बात करेंगे। लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय नागरिक संहिता विधेयक पेश किए गए थे। ये तीनों ही विधेयक आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को प्रस्तावित करते हैं। मॉनसून सत्र में सरकार इन विधेयकों को लेकर आई थी लेकिन कुछ त्रुटियों की वजह से वापस इन्हें लेना पड़ा। अब नए सिरे से विधेयक सदन के पटल पर रख दिए गए हैं और गृहमंत्री अमित शाह आज इस पर बोलेंगे। संसद में जारी गतिरोध के बीच में आज ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक होगी। मीटिंग में बंगाल से जुड़े हुए कई विषयों पर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे संसद परिसर में ही प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी से मिलेंगे। सूत्रों की माने तो बैठक में ममता बनर्जी बंगाल के बकाया फंड का मुद्दा उठाएंगे। चेन्नई में बारिश और बाढ़ के चलते हालात बेकाबू हैं। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत बचाव के लिए कोस्ट गार्ड और सेना की टीमें वहां लगातार काम कर रही हैं। आपदा पीड़ितों की मदद के लिए सीएम के स्टालिन ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक मांग पत्र सौंपा है। स्टालिन ने केंद्र सरकार से लगभग 21,000 करोड़ की आपात मदद मांगी है और साथ ही कहा कि 2,000 करोड़ रुपए तुरंत उपलब्ध भी करवा दिए जाएंगे। कांग्रेस आज यूपी जोड़ो यात्रा शुरू करेगी और ये यात्रा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाएगी। यात्रा की शुरुआत यूपी कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी शामिल होंगे। कांग्रेस का प्लान है कि अगले 20 दिनों में वो प्रदेश भर की जनता तक पहुंचे। 10 जनवरी को इस यात्रा का समापन होगा।